पीथमपुर नगर परिषद के चुनाव को लेकर प्रशासन ने वार्ड आरक्षण किया गया है। वार्ड आरक्षण के बाद राजनीतिक दलों में हलचल शुरू हो गई। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी नगर के नेता कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर पहली बैठक की है, जिसमें सभी से बोला गया कि जिनको चुनाव लड़ना हो और जिनको चुनाव नहीं लड़ना है, वह नेता और कार्यकर्ता निस्वार्थ रूप से पार्टी का कार्य करें। वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला अध्यक्ष ने यह भी बताया कि जिनको चुनाव लड़ना है वह सभी लोग नगर अध्यक्ष को अपना आवेदन पत्र दे ताकि क्षेत्र में सर्वे कराया जा सके। इस अवसर पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मुजीम कुरैशी, धार जिला अध्यक्ष बाल मुकुंद गौतम, मनोज गौतम, जिला पंचायत सदस्य नगर अध्यक्ष जगदीश सेन, पार्षद कमल चौधरी, संजय सोनगरा, पप्पू असोलिया, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष विजेता द्विवेदी सहित पीथमपुर नगरपालिका परिषद क्षेत्र पार्षद और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। ईमानदारी से सर्वे होगा, ईमानदारी जिसका नाम हो चाहे वो किसी गुट का हो। हाँ, एक फूल छाप कांग्रेसी गुट की नहीं मिलेगा, फूल छाप तो कभी नहीं मिलेगा। वो कुछ लोग ये बोल रहे कि मैं जिला कांग्रेस के पास जाऊंगा नहीं, तो उनकी आवश्यकता भी नहीं है हमको। उनको मैंने मना कर था, बुलाना मत उनको, उनको मैंने मना किया था कि बुलाना भी मत उनको, पैसे की जरूरत भी नहीं है हमको। यहाँ तो पीवर 24 कैरेट होना चाहिए, 24 कैरेट मिलावटी नहीं की, 16% पूरा। क्यों आप वार्ड वाइज जो है पहले प्रभारी जो है तय कर, हर वार्ड में एक जिम्मेदार आदमी जाएगा जो मतदाता सूची का भौतिक सत्यापन करेगा। कांग्रेस में यही सबसे बड़ी कमजोरी है, भाषण बहुत बढ़िया देते हैं, काम की बात आती है तो काम नहीं करते। हम लोगों ने निचले वार्ड पर मोहल्ले वाइज काम करके यहां तक आए और अभी भी कर रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सबसे पहला काम यह है मतदाता सूची में ये मानकर चलो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जीवाड़ा करेंगे, फर्जी नाम उसमें जोड़ेंगे इधर उधर के, तो ये आपकी जिम्मेदारी है जो भी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।